पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरधार है। देखिए, दो तीन दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी। खबर लालू प्रसाद यादव के आवास से निकल के आई, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा, जो इंडिया गठबंधन के एक सांसद, इंडिया गठबंधन में शामिल हुई ममता बनर्जी के पार्टी के सांसद और ममता बनर्जी के दूत कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर गए थे। और उनके आवास पर जाने के बाद एक चर्चा उठी थी कि क्यों ना एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की जो नींव ढह रही है उस पिलर को फिर से सजाया जाए, ईंट दे करके, प्लास्टर करके एक बार फिर से उस नींव की शुरुआत की जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी निगाहें हैं। बिहार में जो इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी और बिहार में आकर ही वो इंडिया गठबंधन की नींव ध्वस्त होती चली गई, तो क्यों ना जिस इंडिया गठबंधन को शुरू करने वाले नीतीश कुमार को फिर से बुला लिया जाए इंडिया गठबंधन में। और जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा राजधानी पटना पहुंचते हैं, राजधानी पटना पहुंचने के बाद वो सीधे जाते हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने, लेकिन लालू प्रसाद यादव से वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। उनको मिलाने वाले कौन हैं? शिवानंद तिवारी, जिनके साथ उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। शिवानंद तिवारी जो राजद के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कराने, और लगभग 2 से 2.5 घंटे की मुलाकात। और उस मुलाकात में एक बार फिर नीतीश के वापसी कराने पर चर्चा खूब होती है। उसके अगले दिन यानी ठीक दूसरे दिन सुबह सवेरे चले जाते हैं उनके बेटे लौ सिन्हा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने। हालांकि वो जाते तो हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, लेकिन तेजस्वी वहां पर नहीं रहते हैं। लालू प्रसाद यादव से बातचीत होती है और जब बाहर निकलते हैं तो कुछ मीडिया के साथी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे जब बातचीत होती है तो वो नीतीश कुमार की जम के तारीफ करते हैं। और नीतीश कुमार की तारीफ से ऐसा लगता है कि वाकई में वो दूत जो ममता बनर्जी ने भेजा था, उस दूत ने यहाँ आकर सारा पोल खोल दिया। देखिए, ये शुरुआत दिनों से ही, मतलब अगस्त के महीने की जब से शुरुआत हुई है तब से एक चर्चा खूब उठी कि नीतीश कुमार की नाराजगी खूब बढ़ी हुई है एनडीए गठबंधन से। इसलिए क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उनको नहीं मिला और विशेष राज्य के दर्जे पर विपक्ष उनको लगातार घेर रहा था। लोकसभा और राज्यसभा के सदन के दरमियान आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के नेता थे, खासतौर पे जो बिहार से आते हैं, जो बिहार से गए, पप्पू यादव या फिर आरजेडी के मीसा भारती की बातचीत करें या फिर जो आरजेडी के तरफ से तमाम जो सांसद बने हैं, कांग्रेस से सांसद बने हैं, उन लोगों ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर सदन के बाहर खड़ा होकर विरोध किया है। विपक्ष का दबाव क्या नीतीश कुमार नहीं सह पा रहे थे? नीतीश कुमार चुप थे, काफी दिनों से उनकी चुप्पी ऐसी लग रही थी जैसे बिहार के राजनीति में मानो भूचाल आने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो कुछ ना कुछ वो जरूर राजनीतिक गतिविधियां करते हैं। इस बात की भी चर्चा चली रही थी कि इधर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव मन बना लिए कि बिल्कुल अब नीतीश कुमार को बुला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 65% के आरक्षण के जो दायरे बढ़ाने की बातचीत कही जा रही थी उस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से नीतीश को झटका ही लगा। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि इस पर नीतीश कुमार ने भी अब हाथ खींच लिया है, यानी पुराने पैटर्न पर, पुराने आरक्षण के प्रावधान जो हैं उसी आधार पर बिहार में नौकरी मिलेगी। और इन सब के बीच में चर्चाएं खूब उठ रही थी, खूब चर्चा हो रहा था, खूब बातचीत हो रहा था कि नीतीश कुमार चुप हैं तो कुछ राजनीतिक गतिविधियां नीतीश कुमार कर सकते हैं, कुछ राजनीतिक फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं। 15 अगस्त के तारीख का इंतजार करना होगा। 15 अगस्त को नीतीश का भाषण बेहद खास होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही हमने चर्चा करके ये बता दिया था कि नीतीश कुमार 10 बड़े फैसले पटना के गांधी मैदान से 15 अगस्त को ले सकते हैं। उन फैसलों में कुछ फैसले जो आप सबके सामने हैं, अब नीतीश कुमार ने वो ले लिए हैं। नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उन्होंने उठा दिया, जिस बारे में कल ही हमने चर्चा करके बता दिया था। मुद्दे की बात में हमने ये भी एक बात बताई थी आपको कि जो महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का, उसे और ज़्यादा मजबूत करेंगे, उस पर भी नीतीश कुमार ने ध्यान दिया। जो रोजगार की बातचीत हमने कही थी कि नीतीश कुमार रोजगार का ऐलान कर सकते हैं, तो वो नीतीश कुमार ने
ऐलान कर दिया। रोजगार की बातचीत पर क्रेडिट लेने वाले तेजस्वी यादव को भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से घेर दिया। इतना ही नहीं, परिवारवाद पर भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर खूब हमला किया। अब देखिए, खेल यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ही बिल्कुल नकार दिया है, सिरे से इस ऑफर को खारिज कर दिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का एक और सपना नीतीश ने चकनाचूर कर दिया है। फिलहाल अभी नीतीश कहीं जाने वाले नहीं हैं, एनडीए में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, एक और घटना कल बिहार के राजनीति में घटी है और वो घटना ये है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी को एनडीए में शामिल कराने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने अपने मंत्री अशोक चौधरी को लगा दिया है। अशोक चौधरी जाते हैं, मुकेश सहनी से मुलाकात करते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं और मुकेश सहनी ने हामी भर दिया है कि एनडीए के तरफ वो आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी ये हामी भरते हैं, तेजस्वी भी परेशान हो जाते हैं। तेजस्वी ताबड़तोड़ फ़ोन करते हैं मुकेश सहनी को और हालांकि ऐसी चर्चाएं तो चल रही हैं कि मुकेश सहनी ने हामी भर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव को अभी तक उन्होंने ये आश्वासन दे रखा है कि अपने छोटे भाई को कैसे हम छोड़ सकते हैं। 3 सीटें लोकसभा में मिली हैं, हालांकि तीनों सीटों पर मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि वीआईपी पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो ऐसे में विधानसभा में क्या तेजस्वी यादव उन डिमांड को पूरा करेंगे जो मुकेश सहनी चाहते हैं? मुकेश सहनी लड़ना बहुत सीटों पर चाहते थे, उन्होंने डिमांड किया था 4 से 5 सीट लोकसभा में और कई ऐसी सीटों पर दावेदारियां उन्होंने कर दी थी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता था। लेकिन अब एनडीए गठबंधन को ज़रूरत है मुकेश सहनी की और इस वजह से उधर से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी बातचीत कर ली है मुकेश सहनी से। इधर नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं कि मुकेश सहनी को एनडीए में घर वापसी करा लिया जाए। तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश और उसकी तैयारी, उसकी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी मंत्री को भेजा है मुकेश सहनी के पास और ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को ऑफर दिया गया है और मुकेश सहनी ने अंदर ही अंदर सहमति भी दे दिया है कि वो आ रहे हैं अपने घर, घर वापसी वो करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी के ऑफर को ठुकरा दिया और इधर इंडिया गठबंधन में ही उन्होंने बड़ी सेंधमारी कर दी है। यानी कि तेजस्वी और लालू का सपना 2025 में भी नीतीश चकनाचूर कर देंगे। खबरदार के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरें लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, अपनी राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।